क्या हम भैंस के दूध को माँ के दूध जैसा बना सकते हैं? इसी बात पर संशोधन किया था एक महिला वैज्ञानिक कमला भागवत ने। आइए आज इन्हीं की कहानी सुनते हैं। नमस्कार, प्रियम भारतम में आप सभी का मनःपूर्वक स्वागत है। बड़ा सा कुमकुम माथे पर लगाए, नौवारी साड़ी पहने डॉक्टर सीवी रमन के कक्ष में कुछ नाराजगी से एक लड़की खड़ी थी। और बात नाराजगी की थी भी, इस लड़की ने मुंबई यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में प्रथम क्रमांक में बीएससी केमिस्ट्री कंप्लीट किया था और आगे की शिक्षा के लिए इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में अर्जी की थी, लेकिन इसकी अर्जी नामंजूर कर दी गई। तब वो पहुंची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के प्रमुख डॉक्टर सीवी रमन इनके कक्ष में और बड़े आत्मविश्वास के साथ उसने पूछा कि मेरी अर्जी नामंजूर क्यों कर दी गई है। डॉक्टर सीवी रमन बोले कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि संशोधन बहुत ही मेहनत का काम है, इसके लिए काफी देर तक रुककर काम करना पड़ता है और इसलिए वे लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया करते और उन्हें लगता है कि इससे वहां का अनुशासन भी बिगड़ सकता है। यह सुनकर वो लड़की और नाराज हो गई और बोली कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, मुझे आप एक मौका देकर तो देखिए, मैं पूरी लगन और निष्ठा से काम करूंगी। लेकिन सीवी रमन राजी नहीं हुए। तब वो लड़की कुछ और गुस्से से बोली, अगर मैं गांधीवादी हूं, अगर आपने मुझे परमिशन नहीं दी तो मैं सत्याग्रह करूंगी, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तब कुछ सोचकर सीवी रमन बोले, ठीक है, पहले आप यहां पर प्रयोगशाला में सहायक का काम करिए, अगर आपका काम हमें ठीक लगा तो आपको एमएससी में प्रवेश दे दिया जाएगा। प्रयोगशाला में कमला भागवत ने डॉक्टर श्रीनिवासैया इनके साथ काम किया। वहां पर कुछ उपकरण नहीं थे तो कमला भागवत ने ग्लास ब्लोइंग सीखकर ग्लास ट्यूब्स से ग्लास पिपेट्स बनाए। इतना ही नहीं, आगे फिर इसमें कैलिब्रेशन करना, इसकी पेरोसिटी निकालना, फिर डायलिसिस के लिए चिल्ली बनाना, इत्यादि कई बुनियादी बातें उन्होंने यहाँ पर सीखी। उन्होंने यहाँ पर अपना पाया बहुत ही मजबूत कर लिया और बस 6 ही महीने में डॉक्टर सी वी रमन इनके काम से खुश हो गए और इन्हें एमएससी में प्रवेश दे दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के दरवाजे लड़कियों के लिए खोल दिए गए। एमएससी में इन्होंने दूध की पोषकता और उसके पचन पर काम किया। उन्होंने गाय का दूध, माँ का दूध, भैंस का दूध, गधी का दूध, इस सब का तुलनात्मक अध्ययन किया। उसमें से कई रोचक बातें सामने आई। उन्हें यह मालूम हुआ कि माँ के दूध के सबसे करीब गधी का दूध हुआ करता है। फिर उन्होंने आगे यह भी पता लगाया कि दूध में होने वाला कैसीन के अणु का आकार उसका पचन डिसाइड किया करता है, यानी यह अणु का आकार जितना छोटा होगा उतना ही दूध पचने में हल्का होगा। इसी सारे संशोधन से आगे फिर उन्होंने ह्यूमनाइजेशन ऑफ बफेलो मिल्क यह रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, जिसे बहुत सराहा गया। यह उनके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है और आगे की शिक्षा के लिए ये पहुंच गई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने डॉक्टर रॉबिन हिल इनके साथ काम किया। यहाँ पर भी उन्हें बहुत सराहा गया उनकी लगन और निष्ठा के लिए। पीएचडी करते समय इन्होंने आलू पर कई संशोधन किए। उन्होंने आलू में होने वाले साइटोक्रोम सी नामक एंजाइम की खोज की और उन्होंने यह पता लगाया कि यही साइटोक्रोम सी नामक जो एंजाइम है, इसी से ऑक्सीडेशन ऑफ प्लांट यानी पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया हुआ करती है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने डॉक्टर कमला भागवत से आदिवासी समाज के लिए कुछ पोषक आहार पर काम करने के लिए कहा। उन्होंने इस पर भी बहुत काम किया। मुंबई में इन्होंने काफी नीरा संशोधन प्रकल्प भी स्थापित किए। इसी के लिए इन्हें आगे राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वे डॉक्टर होमी भाभा से भी काफी प्रेरित थी
उनके साथ भी इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने आरए में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे भी बहुत काम किया था। डॉक्टर कमला सोहनी को दयावती मोदी स्त्री शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इन कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित और कार्यक्षम विदुषी को शत शत प्रणाम। प्रियम भारतम।